आज बताऊंगा वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट कलर्स। अगर ये सब आप लोग जान लेते हो ना, बहुत अच्छा पेंटिंग आप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू HD आर्ट एंड क्रिएटिविटी। मैं हेमंत कुमार दास आज बताऊंगा वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट कलर्स। मेरा लास्ट जो वीडियो था उसमें मैं बताया था प्राइमरी कलर्स क्या है, सेकेंडरी कलर्स क्या है, टर्शियरी कलर्स क्या है, और उसके साथ साथ ये भी बताया था कलर व्हील कैसे बनता है और कलर व्हील को दो हिस्से में कैसे डिवाइड किया था, जैसे वार्म कलर एंड कूल कलर। इसके बारे में तो आपको मैं बता चुका हूँ। आप में से अगर वो वीडियो कोई नहीं देखे तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो वीडियो का लिंक है। जब हम पेंटिंग करते हैं उस समय बहुत सारे कलर्स हम मिक्स करते हैं अपना पेंटिंग को सुंदर करने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए। बहुत सारे रंगों का कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ता है, लेकिन उसमें हमें ये भी जानना जरूरी है कि ह्यू क्या है, टिंट क्या है, शेड क्या है और टोन क्या है। अगर ये सब आप लोग जान लेते हो ना, बहुत अच्छा पेंटिंग आप कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छे से अपना कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं आज ह्यू, टिंट, शेड और टोन के बारे में। तो चलिए जानते हैं ह्यू क्या है। ह्यू मतलब प्योर कलर। जो कलर्स प्योर हैं उसे हम ह्यू कहते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जो प्योर हैं। जैसे प्राइमरी कलर में रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीनों कलर प्योर कलर है। और प्राइमरी से जो कलर बने, जैसे सेकेंडरी कलर्स बने, टर्शियरी कलर्स बने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर व्हील है, कलर व्हील में जो 12 कलर्स, पूरे 12 कलर्स, ये सारे ह्यूज हैं। तो हम सभी कलर्स को ह्यूज कह सकते हैं। अब जानते हैं टिंट के बारे में। ह्यू प्लस वाइट इज इक्वल टू टिंट। इसका मतलब कोई भी एक कलर के साथ अगर हम व्हाइट को मिक्स करते हैं, जो कलर निकलता है उसे हम टिंट कहते हैं। तो अब जानते हैं टिंट में ऐसे कौन कौन से कलर्स हैं। एक प्योर कलर है, यहाँ पे हम कुछ ब्लू निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट ब्लू का यूज किया। अभी ये ब्लू डायरेक्ट है, इसमें टिंट हुआ नहीं। अब टिंट करने के लिए हमें थोड़ा व्हाइट इसमें ऐड करना चाहिए। अब ये थोड़ा लाइट हो गया, इसमें और थोड़ा व्हाइट अगर हम मिक्स करेंगे ये और लाइट हो जाएगा। अब इसको और लाइट करेंगे तो हम यहां मिक्स किए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कलर के साथ व्हाइट मिक्स करके लाइट टिंट्स बना सकते हैं। जैसे ब्लू एक प्योर कलर था और उसमें हम व्हाइट ऐड किए तो धीरे धीरे उसका कलर लाइट हो गया। ठीक वैसे ही बाकी कलर्स का भी हम लोग अभी देखेंगे। प्योर कलर के साथ व्हाइट कलर मिक्स करने के बाद ये कुछ कलर्स एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। अब जानते हैं शेड के बारे में। ह्यू प्लस ब्लैक इज इक्वल टू शेड। इसका मतलब कोई भी एक कलर
के साथ अगर हम ब्लैक मिक्स करते हैं तो उसे हम शेड कहते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जिसे हम शेड कहेंगे। प्योर कलर के साथ ब्लैक ऐड करने से शेड बनता है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेन कलर के साथ, जो प्योर कलर के साथ, ब्लैक को मिक्स किया और धीरे धीरे उसका कलर डार्क होता गया, तो इसे कहते हैं शेड्स। अब जानते हैं टोन के बारे में। टोन एक ऐसा कलर है जो एक मिक्सर है वाइट एंड ब्लैक का। जैसे आप सबको पता है, वाइट और ब्लैक को मिक्स करने से ग्रे निकलता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ह्यू प्लस ग्रे इज इक्वल टू टोन। तो अब देखते हैं टोन में ऐसे कौन कौन से कलर्स हैं जो टोन कहलाते हैं। टोन बनाने के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ह्यू प्लस वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू टोन्स, मतलब कोई भी कलर के साथ ब्लैक और वाइट दोनों का मिक्सर से जो कलर बनेगा वो है टोन। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। प्योर कलर है, इसके साथ हम व्हाइट और ब्लैक थोड़ा ऐड करेंगे, वो टोन बनेगा। देखते हैं, तो ये है प्योर कलर के साथ हम ग्रे मिक्स किए, तो ये उसका एग्जांपल। आज हम जाने ह्यू क्या है, टिंट क्या है, शेड क्या है और टोन क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज विजिट माय चैनल। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है वीडियो है, बिगनर्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ड्राइंग एंड कलरिंग के लिए उनके लिए भी वीडियोस है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।